बाबर आजम भी चूंकि सेंचुरी से एक रन की दूरी पर हैं, तो इसको स्ट्राइक दे दी जाए और क्योंकि बॉलें इतनी ज्यादा हैं कि अभी कोई ऐसा इशू नहीं है और उनको भी सेंचुरी करने दी जाए। ये ना हो कि बाबर आजम 99 पे रह जाएं और हारिस सोहेल एक दो बाउंड्रीज मार के मैच को खत्म कर दें। हाँ नहीं, अभी अभी जो है बिल्कुल 17 गेंदें बाकी हैं 9 रन की दूरी पर, तो मेरे ख्याल से बना लेंगे रोटेट बिल्कुल। और 9 रन अब ये बाकी हैं, 17 गेंदों का खेल बाकी और बचा अब 8 है। रन बाकी हैं, 8 रन अभी सिंगल के बाद हो जाएंगे और 16 बॉलों का खेल अब बाकी बचा है। और अब बाबर आजम स्ट्राइक पर एक बार फिर आ गए हैं और अब अपनी सेंचुरी से सिर्फ एक रन की वो दूरी पर हैं। ये रन बन जाए, बाबर आजम की सेंचुरी हो जाए, उसके बाद जाहिर है दोनों एग्रेसिव अंदाज से खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस टारगेट को हासिल किया जा सके। और जाहिर है पाकिस्तान ने सिर्फ 3 ही विकटें गंवाई हैं, तो पाकिस्तान का रन रेट भी एक बेहतर पोजिशन में आ जाएगा, चूँकि आखिर में जाकर जब अगर मगर की सूरत हाल पैदा होगी, जब ग्रुप मैचेस खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मामला अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो रन रेट पर भी आ सकता है। बाबर आजम सिर्फ एक रन की दूरी पर हैं, ये सिंगल ले लें तो पूरी कॉम की टेंशन भी खत्म हो जाएगी और मैच जीतने के करीब तो पाकिस्तान है इस वक्त बेशक। तो इस वक्त बाबर आजम को सिर्फ 6 रन की छक्का भी पड़ सकता है बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली वंडरफुल। और बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, 10वीं बाबर आजम के करियर की ये सेंचुरी है और वर्ल्ड कप के एक बड़े मैच में जहां पर पाकिस्तान को फतह की शदीद ज़रूरत थी, वहां पर बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। पहली विकेट गिरने के बाद जब फखर जमान आउट हो गए थे, उसके बाद बाबर आजम क्रीज पर आए थे और अब जब पाकिस्तान अपने हदफ से सिर्फ 6 रन की दूरी पर है, वहां पर बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अभी भी वो नॉट आउट हैं और टीम के प्लेयर्स इस वक्त खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का क्राउड वहां पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए लोग आए हैं। बाबर आजम ने सजदा शाह खुदा का शुक्र अदा किया, सजदा किया ग्राउंड में और अपनी सेंचुरी बाबर आजम ने मुकम्मल कर लिया। तो बाबर आजम का इस वर्ल्ड कप में फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेस भी जीतने हैं और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उसमें कुछ खास फास्ट बॉलर शामिल नहीं है, स्पिनर्स पर वो बॉलिंग अटैक मुश्तमिल है और बाबर आजम स्पिनर्स को शानदार तरीके से खेलते हैं। और अब इस मैच में पाकिस्तान फतह के नहायत ही करीब आ चुका है। बाबर आजम और हारिस सोहेल ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप की है। जब मोहम्मद हफीज आउट हो गए थे, उसके बाद न्यूजीलैंड के बॉलर्स के लिए एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स और हासिल कर लेते, हारिस सोहेल को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते तो न्यूजीलैंड प्रेशर बढ़ा सकता था, लेकिन दोनों ने जबरदस्त पार्टनरशिप की और अब पाकिस्तान फतह के बहुत करीब। अरबाब हम यही बात कह रहे हैं, विकेट पे रुके रहे हैं, आप डॉट बॉल्स ना खेलें, आप सिंगल ही करते हैं, सिंगल डबल बाउंड्रीज जहाँ लगती है। आज हफीज की बैटिंग में बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी कि क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बे का आ रहे हैं, उनको पता है कि विकेट पे मुझे खड़े रहना है, जो गलतियाँ माजी में हो गई उसको भूल के इन मैचेस को देखेंगे आप किस तरह से खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कामली आराम आराम से वो जो बॉल नहीं समझ में आ रहा था वहीं पर रोक छोड़ रहे थे, तो वो चीज़ मुझे समझ में आ रही थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनको जू ही एक लूज़ बॉल मिलता था वो वहाँ पर छक्का भी रसीद करते थे, चौका भी रसीद करते थे, तो इस तरह उन्होंने अपने स्कोर को बढ़ाया। तो मेरे ख्याल से ये हमारे और भी जो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं जो बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद 50 ओवर्स जो हैं वो यूँ ख़त्म हो जाएंगे चश्मे ज़दन में, ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक ओवर्स का ढेर होता है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप उस पर क्रीज पर रुके रहें। मेन हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए विकेट बचाना। आज हम विकेट बचा के खेल रहे हैं, बड़े रिलैक्स हैं, हमें पता है कि अगर बाबर आजम आउट भी जाते हैं या हारिस भी आउट हो जाते हैं तो हमारे पीछे एक बहुत बड़ी खेप है जो कि आराम से पाकिस्तान को जितवा सकती है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर ये उतरते हैं फील्ड में तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई बात नहीं है, फिर तो हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। जीत जाती है तो वो खामियों पर पर्दा पड़ जाता है, लेकिन पाकिस्तान के ओपनर्स की जो खामी है, श्रीलंका जिम्बाब्वे तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई हैं, इमाद ने भी, फखर जमान ने भी, लेकिन जहां बड़ी टीम्स आती हैं, जहां अच्छा बॉलिंग अटैक आता है, जहां ट्रेंट बोल्ट या स्टार्क जैसे बॉलर्स आते हैं, वहां पर इन दोनों की खामियां खुलकर सामने आ जाती हैं और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल इसी तरह से है। और अब हमारे पास बहुत ही कम रन हमें दरकार हैं, 13 गेंदों पर। अच्छा हम देखें कि न्यूजीलैंड भी उस तरह से इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं हो रहा, एक्साइटेड नहीं हो रहा, या उनको थर्स नहीं है कि जो कि जी हमें विकेट भी चाहिए होगी, तो उनको पता है कि हम तो टॉप फोर में हैं ही, तो उन्होंने हमें मौका भी दिया हुआ है, कर रहे हैं वो कोशिश, बेशक वैसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे फाइट करनी चाहिए।
लेकिन उनको ये भी पता है कि हम तो हैं ही उसके अंदर, हमें कोई इधर से उधर नहीं कर रहा। एक तो ऑलरेडी उनके 11 पॉइंट्स हैं, 5 मैचेस वो जीत चुके हैं, फिर आज का मैच अगर हार भी जाते हैं तो अगले दो मैचेस वो टॉप 4 में ही रहेंगे, तो उनको ये चीज उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा कि पाकिस्तान जीतता है तो आगे के मैचेस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान टीम जिस तरह से खेल रही है अभी, इसी तरह से खेलती रहे, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे लोग, और जो क्रिटिसिज्म है उसको खत्म। अब कल को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अरबाब जो कि अगले दिन ये भी लिख रहे होते हैं, आज रात को भी बहुत से लोग लिखना शुरू करेंगे कि बाबर ने तो अपने लिए 100 रन बनाए। भाई ये आप लोग डिस्करेज ना करें, मेहरबानी होगी। बाबर ने 100 रन अपने लिए बनाए, कोई मैं कल सुन रही थी किसी ने कहा कि सुने मैंने कहीं पर सुना कि आमिर ने 5 विकेटें तो वो तो सेल्फिश इनिंग खेली उन्होंने। आमिर ने कहाँ से सेल्फिश इनिंग खेली भाई, वो तो पाकिस्तान के लिए ले रहा है विकेट्स, वो सेल्फिश कहाँ से हो गया। तो लोगों की इस सोच को हमें चेंज भी करना है कि भाई अगर हमारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं तो प्लीज़ अपने दिलों को बड़ा रखें, अप्रिशिएट करें। और ये जो नेगेटिविटी है ना, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है आपके परफॉर्मेंस पर, आपके मोमेंटम पर, आपकी तमाम चीज़ों पर। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उस पर हम रोते हैं कि हमारी टीम तो हार गई। और क्रिकेट चूँकि एक टीम गेम है, कोई भी एक अकेला फर्द अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक अकेले ने मैच जिता दिया। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, हारिस सोहेल ने उनका पूरा साथ दिया। जो एक प्लेयर के हम बात करें, एक ने मैच जितवा दिया, वो तो T20 शॉर्टर फॉर्मेट में, आप लॉन्गर फॉर्मेट में थोड़ी कर सकते हैं। आज देखें ना, 2 से 3 मतलब जो हमारे बैटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे रन दिलवाए, तो उसकी वजह से हमें भी अच्छी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी ने 3 आउट किए, फिर शादाब ने मेन की विकेट केन विलियमसन की आउट की, बिल्कुल 2 सेंचुरी पिछले मैच में बना। बिल्कुल। अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ अपने नाजरीन को कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज कल जो मैच होने जा रहा है वो इंडिया और वेस्ट इंडीज का है, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका 28 जून को चेस्टरलिया स्ट्रीट में होगा, और मैनचेस्टर में है इंडिया और वेस्ट इंडीज का। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो मैच है वो 29 को है लीड्स में हेडिंगले। अच्छा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार मैच है जो कि 29 को होगा, डे नाइट मैच है ये। यही मैच डिसाइड करेगा कि पॉइंट टेबल पर कौन टॉप पोजीशन पे रहता है और कौन नंबर 2 पे। एग्जैक्टली। और अब पाकिस्तान की ये 4थी विकेट इस वक्त गिर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अब इस मैच में फतह के बिल्कुल नजदीक आ चुका है। एक और सिमिलैरिटी, 92 में इंजमामुल हक ने 60 रन बनाए थे जो टॉप स्कोरर थे, 57 बनाए थे मियाँ दाद ने जो नॉट आउट थे, जो टॉप स्कोरर थे वो भी रन आउट थे। मतलब क्या है ये? लेकिन बस वो सिमिलैरिटी नहीं हो सकी कि मामूल आज एक बड़ी इनिंग 65 रन कर देते, हाँ, तो वो ज्यादा सिमिलैरिटी समझ आती है उसे। अच्छा यहाँ पर हारिस सोहेल ने 68 रन बनाए और ये रन आउट हुए हैं और वहाँ पर इंजमाम थे। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन पाकिस्तान आज जीत गया। आपको भी मुबारक हो, तमाम नाजरीन को मुबारक हो कि पाकिस्तान ने आज बेहतरीन खेल पेश किया, बेहतरीन खेल। और इसी तरह से हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को जो है वो बकअप करते रहें और हमारी टीम जो है आगे से आगे खेलते रहे, क्योंकि देखिए जब तक पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर है हमें भी मज़ा आ रहा है मैचेस का, हम बड़े शौक से देखते हैं, ठीक है। और अगर हमारी टीम किसी में ना हो, किसी बड़े इवेंट में, कितना फीका लगता है वो इवेंट, मतलब मुझे तो स्विच ऑन करने का दिल नहीं चाहता है। और कमेंटेटर्स भी पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया के बड़ा पसंद करते हैं कि एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, एक दिन ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 100 पे भी आउट हो जाते हैं, अगले दिन इंग्लैंड के खिलाफ 350 ओवर के मोस्ट फेवरेट टीम को हरा देते हैं। और इंग्लैंड की जो पोजीशन इस वर्ल्ड कप में खराब हुई, शायद वही पहला डेंट था जो पाकिस्तान ने उनको पहुँचाया, जहाँ पहला मैच उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वरना उससे पहले इंग्लैंड बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वहां से दूसरी टीमों को भी एक वो होप मिली कि वो भी इंग्लैंड को हरा सकते हैं। जी एक रन तो बनी जा, रन तो बनी जाना है। और लेकिन आज कीवीज जिस तरह से आज बैटिंग कर रहे थे, मतलब उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप किसी के मॉनिटर कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो, वो गैप्स में से गेंद को निकाल रहे थे, वो गैप्स तलाश कर रहे थे, एक एक गेंद जब वो खेलते थे तो वो गैप्स के अंदर से ले रहे थे, तो वहाँ पर उनका चौका भी जा रहा था, डबल भी कर रहे थे, वो सिंगल भी कर रहे थे। तो गैप्स को तलाश करें, ये नहीं कि जहाँ पर हमारा प्लेयर अच्छा, जहाँ पर आप ऑन साइड पर खेलना शुरू है हमारे, जैसे हफीज ने जब शॉट्स मारने चुके उन्होंने फौरन अपनी फील्ड प्लेसिंग चेंज कर दी, फराज ने बाउंड्री लगाई है और बाउंड्री लगाकर इस विनिंग शॉट के जरिए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करा दिया। पाकिस्तान के अब इस वर्ल्ड कप में 7 पॉइंट्स हो गए, पाकिस्तान की उम्मीदें अभी भी जिंदा। साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे दी है, 6 विकेट से पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की, सिर्फ 4 विकेटों पर 238 रन का ये टोटल आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। हारिस सोहेल ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन आज के यकीनी मैन ऑफ द मैच बाबर आजम होंगे जिन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की और एक बड़े मैच में सेंचुरी करके एक बेहतरीन बैट्समैन खुद को साबित कर दिया। पाकिस्तानी
ओपनर्स के फेल होने के बाद 44 रन पर दो विकेट गिरने के बाद जिस तरह से बाबर आजम ने टीम को संभाला दिया, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पहले मोहम्मद हफीज के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कायम की, उसके बाद जो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी वो हारिस सोहेल के साथ बाबर आजम की हुई। एक लंबी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को फतह के बहुत करीब पहुंचा दिया था, और हारिस सोहेल बदकिस्मती से जब पाकिस्तान फतह से सिर्फ दो रन की दूरी पर था उस वक्त हारिस सोहेल आउट होकर चले गए, वरना उम्मीद यही थी कि यही दोनों बैट्समैन इस स्कोर को पूरा करेंगे और पाकिस्तान की झोली में एक शानदार फतह डाल देंगे। तो वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी को पाकिस्तान ने आज भी फॉलो किया। ये नवा मैच दोनों टीमों के दरमियान था और पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड कप मुकाबलों में ये सातवीं फतह न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल कर ली।